जय हिंद डियर। तो चलिए आप लोग को आज एलएलबी कोर्स के बारे में बताते हैं कि एलएलबी कोर्स कैसे किया जाता है, उसको करने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कब कर सकते हैं। आज हम लोग एलएलबी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एलएलबी मतलब लॉयर। तो सर, एलएलबी करने के लिए आप क्लास 12 के बाद भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। सर कब कर सकते हैं? आप क्लास 12 के बाद भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। सर क्लास 12 के बाद करना हो तो क्लास 12 के बाद करो तो आपको एलएलबी करने में 5 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 5 साल। अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपको लगेगा 3 साल। सर ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी स्ट्रीम में करो, अगर आप कॉमर्स लियो तब भी आप एलएलबी कर सकते हो, अगर आप साइंस लियो तब भी आप एलएलबी कर सकते हो, अगर आप आर्ट्स लियो तब भी एलएलबी कर सकते हो, बट उस समय आपको क्या लगेगा? 3 साल। किंतु अगर क्लास 12 के बाद करते हो तो आपको कितना लगेगा? 5 साल। ठीक है। और सर इसमें कितना खर्चा है? इसका खर्चा है 1 लाख टू 10 लाख के पास, मतलब 1 लाख से 10 लाख के आसपास लगता है 5 साल में। हाँ ना, ये डिपेंड करता है कि आप क्लास 12 पास करके प्राइवेट कॉलेज में मिला या गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो आपका पैसा कम लगेगा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तो आपका पैसा मिलेगा। इसलिए ये वेरी करेगा, अमाउंट फिक्स नहीं है, बट 1 से 10 लाख के आसपास खर्चा होता है। अगर किसी को सर लॉ में स्पेशलाइजेशन करना, तो जनरली ये स्पेशलाइजेशन फील्ड है, आप इसी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। सर कैसे? आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, लेबर लॉ में स्पेशलाइजेशन, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ। इसके अलावा और भी है, बट ये कॉमन स्पेशलाइजेशन है। आप चाहो तो एलएलबी आप इसमें भी कर सकते हो। आगे बढ़े, अगर आप लोगों को करना है तो कैसे करेंगे? सर इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सर एलएलबी करने के लिए क्या देना पड़ता है? एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब, जैसे बीकॉम में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, सबके लिए ओपन है, बट जिसका जितना मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से एडमिशन मिलेगा। बट जैसे सीए सीएमए सीपीटी सीए सीएमए सीएस जब करोगे तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जब उसका वीडियो बनाएंगे। वैसे एलएलबी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। वो एंट्रेंस एग्जाम क्या है? सर उस एंट्रेंस एग्जाम को हम लोग बोलते हैं क्लैट और एक को बोलते हैं एलसैट। क्या? एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्लैट और एक एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एलसैट, है ना। सर क्लैट का फुल फॉर्म, क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन टेस्ट, और एलसैट का होता है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम आपको दोगे तभी आप एलएलबी पढ़ सकते हो। सर ये जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ये कौन कंडक्ट करवाता है? कंडक्ट मतलब कौन एग्जाम करवाता है ना। जैसे देखो क्लास 12 का एग्जाम आपको कौन करवाया? वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी बोर्ड। वैसे जब तुम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हो तो आपका ग्रेजुएशन एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। वैसे एलएलबी का एग्जाम पढ़ने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर क्लैट का एग्जाम देते हो तो ये कंडक्ट करवाता है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अगर एलसेट एग्जाम देते हो ये करवाएगा पियर्सन व्यू, ये एग्जाम लेता है। ठीक है। अगर क्लैट के एग्जाम में बैठे होगे देना चाहते हो तो आपके पास क्लास 12 में मिनिमम 45% होगा तभी क्लैट के एग्जाम दे सकते हो। अगर 45% से कम आए तो आप क्लैट के एग्जाम नहीं दे सकते हो। इसी तरह एलसेट का एग्जाम देना है तो आपका क्लास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए? 50%। अगर 50% से कम हुआ तो फिर एलसेट में एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। सर क्लैट का एग्जाम साल में कितनी बार होता है? क्लैट का एग्जाम साल में एक बार एग्जाम होता है और एलसेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार। देखना जब आप लोग को हम वीडियो बनाएंगे सीए सीएमए और सीएस का, उसमें भी सर एग्जाम 2 बार होता है साल में। वैसे ही क्लैट का एग्जाम साल में एक बार होता है और एलसेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। अगर पहली बार नहीं निकला तो और एक बार एग्जाम में बैठ सकते हो। हाँ, क्लैट का एग्जाम जो होता है वो सर ऑफलाइन होता है, माने पेपर में एग्जाम देना पड़ेगा, और इसका एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। अगर क्लैट का एग्जाम देते हो तो उसमें 5 सेक्शन होता है। सर कितना सेक्शन होता है? 5। वो 5 सेक्शन का होता है सर, एक इंग्लिश रहता है उसमें, जिसमें दूसरा रहता है करेंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है लीगल रीजनिंग और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सर ये सब क्या होता है ना, जब तुम क्लैट का एग्जाम दोगे तो इसको पढ़ाया जाता है, इसका भी कोचिंग चलता है, इसको अच्छा से पढ़कर या बुक परचेस करके खुद एग्जाम दे सकते हो। अगर एलसेट का एग्जाम दोगे तो एलसेट में केवल 4 सेक्शन रहता है। कितना सेक्शन रहता है? 4। एक होता है रीडिंग कंप्रेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग 1 है, ये लॉजिकल रीजनिंग 2 है। सर ये सब क्या है?
आपको अगर जब क्लैट और एलसेट देना पड़ेगा तो आपको इसका ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि कैसे क्या होता है। अभी बता रहे कि अगर एलसेट देना तो आपको 4 सेक्शन मिलेगा और क्लैट देना तो आपको कहाँ देना पड़ेगा, 5 सेक्शन। समझ में आए सर कितने मार्क्स का होता है, कितने समय लगता है? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर आप क्लैट के एग्जाम दीजिएगा तो सर उसमें जनरली 150 क्वेश्चन मिलेगा और एलसेट के एग्जाम दीजिएगा तो आपको 92 से 95 तक के आसपास क्वेश्चन मिलता है। सर क्लैट में आपको 2 घंटा मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और इसमें सर 180 मिनट मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से पर सेक्शन जो रहता है 35 मिनट का रहता है। सर मार्क्स का किससे मिलता है? अगर क्लैट का एग्जाम दे रहे तो हर एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, अगर गलत होता है तो आपको 0 - 0.25 काट लिया जाएगा, मान 0.25 माइनस होता है। बट अगर आप एलसेट का एग्जाम दे रहे तो आपको +1 मिलेगा, बढ़िया, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। अगर क्लैट का एग्जाम दे रहे हो तो सर एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा? उस एग्जामिनेशन फीस को देने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट ओबीसी हो तो सर आपको 4,000 रुपया देना पड़ेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यू को तो आपको 3,500 रुपया देना पड़ेगा। सर 500 रुपया का होता है, थोड़ा सा माइनस कर देता है। बट अगर आप एलसेट का एग्जाम दे रहे हो तो एलसेट का एग्जाम देने के लिए आपको कितना रुपया लगेगा? 4,000 रुपया। क्लियर है? अब उसके बाद अगर क्लैट क्वालिफाई कर गया, मैंने आप पास हो गया, तो जनरली क्लैट क्वालिफाई कर कर आपको क्या होता है, 3 बेस कॉलेज होता है जिसमें से सब कोशिश करता है कि सर अगर हम एलएलबी का अप्लाई करें, लॉ का अप्लाई करें, ये 3 कॉलेज मिले। ये टॉप 3 कॉलेज है जो कोशिश करता है क्लैट पास करने से मिले। ये डिपेंड करता है क्लैट का रैंकिंग पर, आप क्लैट किस तरह का मार्क्स कराए वो रैंकिंग पर ये 3 कॉलेज बेस्ट मिलता है। अगर आप एलसेट पास किए, कहा कि एलसेट पास किए तो एलसेट पास करने पर आपको ये 7 कॉलेज मिलेगा। सर कितना मिलेगा? टॉप 7 कॉलेज है जिसमें से आपको एडमिशन करने का मौका मिलेगा एलसेट का रैंकिंग पर। अगर सर ये सारा कॉलेज नहीं मिला तो और भी सारा कॉलेज है जो हम टॉप 10 इंडिया बता रहे और टॉप 10 कोलकाता बता रहे, समझ में आए? तो अगर इस कॉलेज नहीं मिला तो आपको टॉप 10 इंडिया में कौन कौन कॉलेज है आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। सर क्या ये इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है जिसमें आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो और अपना क्या कर सकते हो, एलएलबी का अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं सर कोलकाता में कौन है, तो कोलकाता में टॉप 10 कॉलेज जो है ये है। आप लोग थोड़ा रीड कर लेना, हम रीड नहीं करें क्योंकि टाइम बर्बाद करके लाभ नहीं है। आप कोलकाता में लेना तो थोड़ा देख लेना कि आपके निवेश क्या है, आपका सर पैसा कितना है, आपका अमाउंट के सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, अमाउंट के मैंने एक्यूरेट है कि नहीं, मैंने अमाउंट के बराबर आपका फैमिली वो उतना कंट्रीब्यूट कर पाता है कि नहीं, उसके हिसाब से देख लोगे। ठीक है सर, आप जानना चाहेंगे कैरियर ऑप्शन क्या है, आप एलएलबी करके क्या कर सकते हो? तो सर एलएलबी करके आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, लीगल काउंसिलर बन सकते हो, लीगल मैनेजर बन सकते हो, लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो। सर लीगल जर्नलिस्ट का देखना जो रिपोर्टिंग होता है, जितना बड़ा मीडिया है वो लोग के ऊपर भी तो सर बहुत सारा केस होता है, तो केस कौन हैंडल करेगा? सर वो लोग पर्सनल लॉयर हायर कर लेते हैं, तो ही उसको बोलते हैं लीगल जर्नलिस्ट। मतलब अगर एलएलबी का अप्लाई कर लो तो हो सकता है किसी मीडिया में काम करने लोगों, तो क्या करना पड़ेगा, उस मीडिया का जितना भी केस होगा आपको लड़ना पड़ेगा। आप लॉयर प्रोफेसर बन सकते हो, मतलब जो लॉ का अप्लाई करते हो उसको भी तो कोई ना कोई पढ़ाता है, तो सर आप क्या कर सकते हो, अपना कंप्लीट करके प्रोफेसर भी बन सकते हो। सर लिटिगेशन का मतलब खुद पर्सनल केस लड़ सकते हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब देखना, हिंदी मूवी में देखाता ना कि सर अगर हम कुछ गलती किए तो मेरा एक लॉयर होगा, तो सरकार की तरफ से भी एक लॉयर होता है, तो सरकार की तरफ से जो लॉयर होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सरकार भी क्या करता है, अपना लॉयर रखता है, तो उसमें आप एग्जाम दे के पास करके जा सकते हो। सर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर ये अपना इसके ऊपर भी बहुत सारा केस हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं लॉयर हायर करने के लिए एग्जाम लेते हैं। इसका नाम क्या है, RBI ग्रेड बी लीगल ऑफिसर। अगर इस एग्जाम को तुम क्वालिफाई कर जाओ तो RBI का तुम लीगल ऑफिसर बन सकते हो। इसी तरह से IBBS लॉ ऑफिसर। सर देखो कि हम लोग इंडिया में बहुत सारा बैंक है ना, तो उस बैंक में भी क्या हो सकता है, लीगल काम होता है, तो लोग अपना लॉयर हायर करने के लिए एक एग्जाम लेते हैं जिसको बोलते हैं IBBS लॉ ऑफिसर। एग्जाम को अगर तुम क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम लॉ ऑफिसर बन सकते हो बैंक का। ऐसा नहीं कि तुम एलिजिबल के तो बैंक में काम नहीं कर सकते, कर सकते हो। चाहो तो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर ये लोग भी क्या करता है, लॉ का काम करवाने के लिए सर लॉयर लेता है, तो इसके लिए ये लोग भी क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है। सर नाम क्या है, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। अगर इस एग्जाम को तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर से सेबी में काम नौकरी आपको मिल सकता है ना। अगर आपको किसी में नौकरी नहीं करना है, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट सर्विस करो, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हो। सर क्या गवर्नमेंट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है, आप SSC का एग्जाम दे सकते हो, रेलवे का एग्जाम दे सकते हो, स्टेट PSCS PCS का एग्जाम दे सकते हो, इवन सर
देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है यूपीएससी, आप भी दे सकते हो। क्यों सर? इस सब के लिए केवल वो लोग मांगता है ग्रेजुएशन। तो सर आप जो एलएलबी करोगे वो भी ग्रेजुएशन का डिग्री होता है, मतलब जो बीकॉम पढ़ता है, जो बीएससी पढ़ता है, जो बीए पढ़ता है, वो एलएलबी इज इक्विवेलेंट टू। इसलिए आप चाहो तो सारा एग्जाम दे सकते हो। समझ में आया? तो सारा इंफॉर्मेशन रहा सर किसके बारे में, एलएलबी कोर्स के बारे में। आप लोग अच्छा से देख लो, अभी भी आप लोग का रिजल्ट का टाइम है, आराम से डिसीजन ले लो और फ्यूचर में जो डिसीजन लोगे उसको अच्छा से पढ़ोगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।